हेलो इस पेरेंट्स, हम एमपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर के इस सीरीज़ में आज पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे। लगभग 500 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं जो जीके के क्वेश्चंस हैं और किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें ताकि आपके एग्जामिनेशंस में ये हेल्पफुल हो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम विच वॉज ओपेंड इन गुरुग्राम। भारत के पहले अनाज एटीएम का क्या नाम है जो गुरुग्राम में खोला गया? तो इसका राइट आंसर है अन्नपूर्ति। ओके, क्या नाम है? अन्नपूर्ति। क्वेश्चन नंबर टू है, विच कंट्री विल होस्ट द 2023 मेन्स ODI वर्ल्ड कप। 2023 पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर इंडिया। ओके, इंडिया में क्या होने वाला है? इंडिया में ODI वर्ल्ड कप होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इनकरेक्ट मैच को हमें यहाँ पे बताना है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी RBI, प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड और डी है प्रॉपर मनी इंडियन रुपी। ओके, तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना था क्या, इनकरेक्ट, तो फिजिकल पॉलिसी RBI नहीं बनाता है, फिनेंस कमीशन आपका बनाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का त्यौहार नहीं है? लोकरंग महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, उज्जैन कुंभ मेला या दुर्गा पूजा? तो हम सबको पता है दुर्गा पूजा कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत छोड़ो आंदोलन को डैश डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया था। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया था। आप सबको पता है 1942 में 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत हुई। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, वरिंद्र कुमार घोष निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, युगांतर। इसके पहले एक क्वेश्चन हमसे छूट रहा है, इसे भी कंप्लीट करते हैं। दुर्गाबाई देशमुख डैश महासभा की संस्थापक थी, तो दुर्गाबाई देशमुख आंध्र, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आंध्र महिला सभा के संस्थापक थी। ओके, फिर हमने देख लिया है वरिंद्र घोष युगांतर से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए होंगे? तो राइट आंसर है आपका बी, पेरिस। ओके, क्या होगा जाएगा? पेरिस। 2024 में ओलंपिक कहाँ से होंगे आयोजित? पेरिस में होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, When was the first cricket ODI played in Captain Roop Singh Stadium? कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे कब खेला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1988 में। ओके, 1988 में। और रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि बिना मीनार के भारत में एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ मिल सकती है? Where can one find the only Jama Masjid in India without a minar? So right answer is a Chanderi. Okay? Next question, question number 11. In which year was the George Castle built? George Castle किस वर्ष बनाया गया था? तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option number D, 1911 में। Next है, which Indian cricketer among the following was given the nickname as the Wall? निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को दीवार उपनाम दिया गया था? तो इससे हम सभी जानते हैं, यह हमारे राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है, अजय चौधरी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला? अजय चौधरी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, राइट आंसर है आपका 2011। ओके, नेक्स्ट है, द राजघाट डैम इज एन इंटर स्टेट डैम प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन डैश रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर निर्माणाधीन एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है?
तो राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका होशंगाबाद। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर है ए ऑप्शन, धार। नेक्स्ट है आपका डैश इज अ पॉपुलर एंड मेजर रबी क्रॉप ऑफ द जबलपुर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन पी, यानी कि हरी मटर जो है जबलपुर का मुख्य फसल है। नेक्स्ट है, इंडिया का सबसे मोटा कोयला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? थिकेस्ट कोल सीम ऑफ एशिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश? राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10th। नेक्स्ट है, लाल किला किस शहर में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट, गंगा नदी का प्रदूषण स्तर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई। नेक्स्ट, वायुमंडल द्वारा लगाए गए दबाव को डैश कहा जाता है? राइट आंसर वुड बी सी ऑप्शन, गैस प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के व्यवहार को क्या कहते हैं जिसका अध्ययन स्थूल दृष्टिकोण से किया जाता है? सो राइट आंसर इज अ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, शास्त्रीय ऊष्मगतिकी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रीजन फॉर इंक्रीजिंग पोल्यूशन? बढ़ते प्रदूषण का कारण क्या नहीं है? जल निकायों में जहरीले कचरे को डंप करने वाले उद्योग, अजैव निम्नकरणीय अवशिष्ट जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन आदि नदियों झीलों आदि में फेंका जाना, तेज फैलने से समुद्री जीवन नष्ट हो जाना, तेल फैलने से, और वनारोपण, डिफॉरेस्ट्रेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा डिफॉरेस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा वायु प्रदूषक हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है? सो राइट आंसर वुड बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है 26, यहाँ पे कथन और अभिकरण है। एक जंगली जानवर का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, रीजन है जानवरों के लिए जगह होगी और यह अंततः उन्हें मरने के लिए मजबूर कर देगा। राइट आंसर है सी, इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है 27, डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी पिंड पर विद्युत आपेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस विच वन वॉज नॉट इन मेटलॉइड, नॉट अ मेटलॉइड उपधातु कौन सी नहीं है? बोरान, पीतल, सिलिकॉन, जर्मेनियम। राइट आंसर हो जाएगा इसका बोरान। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एस्पार्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, डैश का उपयोग आटे को मजबूत बनाने वाले के रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। 31 है, हैरोल्ड क्लेटन यूरिक इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ? राइट आंसर ड्यूटेरियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास मनुष्यों की तरह फेफड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर है मेंढक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता, नॉट गेट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? तो इसका राइट आंसर है डायबिटीज। नेक्स्ट है 35, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ द विटामिन ए? राइट आंसर रेटिनॉल। ओके, तो ये थे हमारे 35 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। एक शिफ्ट में 35 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में। जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।